आज की इस फ्रेंड्स दिखाने वाले वोटर आईडी कार्ड में नेम में कनेक्शन कैसे करेंगे और वोटर आईडी कार्ड का फोटो चेंज कैसे करेंगे आज की इस फ्रेंड्स दिखाने वाला एक ही वीडियो में दोनों प्रोसेस बताऊंगा फ्रेंड्स। यहाँ पे वोटर आईडी कार्ड में कैसे नाम चेंज किया था और वोटर आईडी कार्ड में जो फोटो आपका लगा तो कैसे इसको चेंज कर सकते हैं आज की इस फ्रेंड्स दिखाने वाला। अगर आपने पहले से वोटर आईडी कार्ड बनाया है तो उसमें जो आपका पहले वाला फोटो लगा है तो वो फोटो को चेंज करके आप दूसरा फोटो यहाँ पे अपना मनपसंद का फोटो लगवा सकते हैं अपने वोटर आईडी कार्ड में। सो आज की इस फ्रेंड्स दिखाने वाला वोटर हेल्पलाइन से कैसे यहाँ पे नेम और फोटो यहाँ पे कनेक्शन करेंगे आज की इस पूरा कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। शुरू में छोटी टिक्की से वीडियो लाइक कीजिए, अगर चैनल पर चैनल कर दो सब्सक्राइब कर दो, बेल को प्रेस लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने के लिए। इसके लिए आपको प्ले स्टोर ओपन करना पड़ेगा, वोटर हेल्पलाइन एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना पड़ेगा, इसका लिंक आपको डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। चलिए यहाँ पे वोटर एप्लीकेशन में यहाँ पे ओपन कर ले रहा हूँ। ओपन करने के बाद देखिए आपके पास इस तरह का यूजर इंटरफेस खुलकर रिडायरेक्ट करा दिया जाए वोटर हेल्पलाइन का। कुछ आपको इस तरह का इंटरफेस खुलकर रिडायरेक्ट करा देगा। आपको पहले से अकाउंट क्रिएट कर लेना पड़ेगा, जैसे पहले से मैंने अकाउंट यहाँ पे क्रिएट कर लिया है, मैंने पहले तरह इसके लॉगिन यहाँ पे कर लिया। अब देखिए यहाँ पे वोटर रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पे जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे अगर वोटर आईडी कार्ड नहीं बना तो देखिए न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन फॉर्म 6 आपको यहाँ पे चूज़ करना पड़ेगा। अगर वोटर आईडी कार्ड कोई भी डिलीट करना चाहते हैं देखिए फॉर्म 7 आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर वोटर आईडी कार्ड में किसी तरह का नेम, एड्रेस, फोटो, मोबाइल नंबर किसी तरह का कनेक्शन करना चाहते देखिए कनेक्शन ऑफ देखिए यहाँ पे फॉर्म 8 आप चूज़ करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे वोटर आईडी कार्ड में कनेक्शन करने वाला हूँ फोटो में और यहाँ नेम में दोनों करने वाला हूँ मैं, चलिए फॉर्म 8 चूज़ कर ले रहा हूँ। इसका देखिए इस तरह का आपको देखिए माई मित्रा इज़ वोटर आपको शो हो जाएगा। आप देखिए लेट स्टेटस पर क्लिक करेंगे, देखिए आपको दो ऑप्शन यहाँ पे आपको देगा। अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड नंबर है तो यस पे क्लिक करेंगे, अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड नंबर है तो नो पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे इसकी डिटेल्स आपको डालकर तब वोटर आईडी कार्ड नंबर यहाँ पे आपको रिटाइप करना पड़ेगा। जैसे ऑलरेडी मेरे पास वोटर आईडी कार्ड नंबर, मैं यस पे क्लिक कर देता हूँ, नेक्स्ट पर क्लिक कर देता हूँ। अब वोटर आईडी कार्ड नंबर डालकर फेस डिटेल के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, वोटर आईडी कार्ड नंबर यहाँ पे फेज ले लिया इस तरह का, देखिए आपको नीचे में रिडायरेक्ट यहाँ पे करा दिया। देखिए प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, प्रोसीड के ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे देखिए आपका देखिए वोटर आईडी कार्ड नंबर जो आपको वोटर आईडी का नाम है, जो एज आपका मेल है फीमेल है, फादर नाम आ जाएगा, यहाँ पर देखिए आपका विधानसभा क्षेत्र आ जाएगा, आपका डिस्ट्रिक्ट स्टेट आ जाएगा, आपका पार्ट नंबर आ जाएगा, पार्ट नेम आ जाएगा, सीरियल नंबर आपको आ जाएगा, पूरी यहाँ पे पूरी डिटेल्स आपको यहाँ पे पोलिंग डिटेल्स पूरी आ जाएगी। आपको इस तरह रिलीट कर आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा। अब देखिए आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे आपका नेम यहाँ पे आ जाएगा, हिंदी में इंग्लिश में दोनों में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए आपको अपने वोटर आईडी के साथ आधार नंबर लिंक करना चाहते हैं तो आधार नंबर डालेंगे, अगर लिंक करना नहीं चाहते तो देखिए आई एम नॉट अवेलेबल इस पर क्लिक करेंगे, आपका वोटर आईडी कार्ड में जो आधार नंबर वो लिंक नहीं होगा। जैसे यहाँ पर मैं आधार नंबर लिंक करने वाला हूँ, आधार नंबर यहाँ पर मैं डाल देता हूँ। इसका देखिए मोबाइल नंबर डालेंगे, यहाँ देखिए मोबाइल नंबर दूसरा डालेंगे जो रिलेटिव में है, कोई दूसरे का डाल सकते हैं। यहाँ देखिए ईमेल आईडी डालेंगे, रिलेटिव ईमेल आईडी डालेंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करें। अब देखिए इस तरह का इंटरफेस खुलकर रिडायरेक्ट देख करा दिया गया। देखिए आई एम सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म चूज, देखिए आपको कनेक्शन करने वाला है तो देखिए आपको सेकेंड ऑप्शन पर टिक करना पड़ेगा। इसमें आपको कुछ नहीं टिक करके रखना है, ना कि गड़बड़ हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन कनेक्शन वाला ऑफ ही आपको चूज़ करना पड़ेगा, इसको नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब देखिए आपको इस तरह का इंटरफेस खुलकर रीडर है कि आप देखिए क्या चीज़ में कनेक्शन आप करना चाहते हैं। जैसे अगर नेम में कनेक्शन करना चाहिए नेम के ऑप्शन पर टिक करेंगे, अगर जनरल में करना चाहिए जनरल के ऑप्शन पर चूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पर मैं नेम में कनेक्शन करने वाला हूँ और यहाँ पर मैं फोटो में चेंज करने वाला हूँ, ये दोनों में टिक कर देता हूँ। अगर आप मोबाइल नंबर अपडेट करेंगे मोबाइल नंबर पर क्लिक करेंगे, अगर यहाँ पर एड्रेस अपडेट करना चाहते हैं एड्रेस पे क्लिक करेंगे, अगर यहाँ पे रिलेटिव में किसी कुछ करना चाहते हैं वो आपको चूज़ करेंगे। देखिए इस तरह डेट ऑफ बर्थ में करना है डेट ऑफ बर्थ में क्लिक कर लेंगे। आपको यहाँ पे इसी तरह का जिस चीज़ में आप कनेक्शन करना चाहते हैं उस पर आपको टिक कर लेना। जैसे यहाँ पे नेम में करना चाहता हूँ फर्स्ट में और देखिए फोटो में करने वाला हूँ, मैंने दोनों पर टिक करके रखे। आप नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट के ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपको नेक्स्ट पेज में इस तरह का इंटरफेस खुलकर रिडायरेक्ट आपको करा दिया जाएगा। देखिए आपको नेम डालना पड़ेगा, आप जो भी नाम यहाँ पे सही रखना चाहते हैं वही नाम यहाँ पे डालेंगे, यानी कि जो कनेक्शन करने वाले। जैसे मेरा नाम गलत है, मैं सही नाम यहाँ पे फिल कर देता हूँ, यहाँ पे ऑटोमेटिक हिंदी लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए यहाँ पे मैं नेम यहाँ पे फिल कर दे रहा हूँ, देखिए ऊपर मैंने इंग्लिश नेम डाला तो ऑटोमेटिक हिंदी में यह नाम कन्वर्ट हो चुका है। अब देखिए इस तरह का इंटरफेस खुलकर देखिए आपको यहाँ पे नेम में कनेक्शन कर रहे हैं तो आपको कुछ एक आईडी प्रूफ आपको अपलोड करना पड़ेगा, यानी कि जो आपके गवर्नमेंट का आईडी में सही नाम है वही अपलोड करें। अगर पैन कार्ड अपलोड करिए, आधार कार्ड में जो सही आधार कार्ड अपलोड कर जाए। जैसे मेरे पास पैन कार्ड, चलिए पैन कार्ड पर मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ, पैन कार्ड ये मेरे पास है, पैन कार्ड मैं अपलोड यहाँ पर कर देता हूँ जो मेरा पैन कार्ड है। इस तरह से पैन कार्ड लेंगे तो इसको यहाँ पे देखिए आपको रोटेट कर देना, यानी कि जो क्रॉप है इसको पूरी तरीके से आपको क्रॉप कर देना है। ये जितना अलग हिस्सा था आपको एक बराबर यहाँ पे कर देना, पूरा हिस्सा आपको नहीं देना। चलिए मैं पूरी तरीके से इसको यहाँ पे क्रॉप कर दे रहा हूँ।
पूरी तरीके से मैंने क्रॉप कर दिया। अभी अगर डन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, डन के ऑप्शन पर जैसे कि देखिए यहाँ पे आपका जो आपने कॉपी करा देखिए यहाँ पे अपलोड हो चुका है। अब देखिए फोटो आपको अपलोड करना पड़ेगा, फोटो चेंज करना चाहते हैं आपका फोटो मैक्सिमम देखिए 200 KB का होना चाहिए, इससे ज़्यादा इससे कम का नहीं होना चाहिए, नहीं तो फोटो आपको यहाँ पे अपलोड नहीं हो पाएगा। चलिए यहाँ फोटो में अपलोड पर क्लिक कर देता हूँ, अगर कैमरा से कैमरा से क्लिक करें, नहीं तो गैलरी से गैलरी से फोटो यहाँ पर ले लेंगे। चलिए मेरा जो फोटो यहाँ से मैं क्लिक कर ले रहा हूँ। एक बार आपको फोटो से पूरी तरीके से सही देख लेना पड़ेगा, इसके देखिए टिक के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करें, देखिए फोटो मेरा ये अपलोड हो चुका है पूरी तरीके से, फोटो जो मेरा आईडी प्रूफ मैंने अपलोड कर दिया। अब देखिए आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करें, देखिए इस तरह का इंटरफेस खुल कर देखिए जिस डेट को फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं देखिए यहाँ पे डेट शो हो जाएगा, इसका जो डेट है डेट शो हो जाएगा। देखिए जिसका भी ये वोटर आईडी कार्ड है उसका यहाँ पे नेम शो हो जाएगा। अब देखिए प्लेस ऑफ इसको प्लेस डाल के डायरेक्ट डन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। एक बार आपको पूरी तरीके से एप्लीकेशन पूरी तरीके से आपको चेक कर लेना पड़ेगा पूरी सही है तो देखिए आपको यहाँ पे कंफर्म के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। कंफर्म के ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे आप देखिए यहाँ पे योर एप्लीकेशन हैज़ बी सबमिट सक्सेस ऑन डेट, यानी कि आपको यहाँ देखिए एक रेफरेंस नंबर आपको दिया गया, ये रेफरेंस नंबर आपको कॉपी कर लेना पड़ेगा इसका स्टेटस चेक करने के लिए। चलिए ओके पे क्लिक करेंगे। अब चलिए बैक आ जाना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे एक्सप्लोर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, जो आपका रेफरेंस नंबर वो रेफरेंस नंबर यहाँ पर टाइप करेंगे, आपका स्टेट कौन सा स्टेट चूज़ करेंगे, इसके बाद ट्रैक स्टेटस के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब देखिए जो आपने फॉर्म यहाँ पर अप्लाई करा देखिए यहाँ पर सबमिट हुआ है, इसके बाद देखिए बी एल ओ अपॉइंटमेंट करेगा, देखिए फील्ड वेरीफाइड होगा, इसके बाद एक्सेप्ट रिजेक्ट, अगर आपका फॉर्म सही होगा तो एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, अगर गलत होगा तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। रिजेक्ट जैसे ही करेगा इसमें जो भी इन्फॉर्मेशन गलत है वो इन्फॉर्मेशन को यहाँ पर सही करके दोबारा से अप्लाई आप कर सकते हैं। सो आप इस तरह से वोटर आई डी कार्ड में या फिर फोटो नेम यहाँ पर कनेक्शन कर सकते हैं। सो आपकी वीडियो को पसंद लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स का शेयर कीजिए, मन में कोई कन्फ्यूजन आप कॉमेंट करके नीचे पूछ सकते हैं।